पदम नगर पुलिस को 20 पेटी अवैध शराब पकड़ने में सफलता मिली है। अवैध शराब लेकर जा रहे आरोपियों को पुलिस द्वारा पदम नगर थाना लेकर आया गया और अवैध शराब जब्त की गई। पदम नगर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने पूरे मामले की जानकारी दी। शराब कहाँ की है सर, कहाँ ले जा रहे थे? ये अभी तो खरगोन तरफ से लाना बताया है, अभी सर पूछताछ करेंगे, इसका मेमोरेंडम लेंगे, उसके बाद पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। ये रात में लेट हुई थी कार्रवाई, तो इसलिए इसको अभी वो पूछताछ करेंगे। कैसे पहले ही पकड़ा गया इसे? इसके पहले आपका विभाग ने इनको पुलिस को पकड़ा था, शायद 194 पेटी शराब के साथ। सर ये क्या मामला है जो शराब पकड़ी? ये SP साहब के निर्देश थे कि वाहन चेकिंग लगाना है रात में, और समय बदल बदल कर और स्थान बदल बदल कर वाहन चेकिंग लगाना था। इसी के पालन में जो है कल रात में हमने इंदौर नाका पर वाहन चेकिंग लगाई थी, तो एक गाड़ी जो छेगांव की तरफ से आई थी, तो वो हाथ दिया तो उसको रुकी नहीं, बड़ी तेज़ी से भाग के ले गया, तो उसको घेराबंदी करके यहाँ पर अपन ने आशीर्वाद होटल के पास पकड़ा था। उसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे, एक व्यक्ति भाग गया, और जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था उसको अपन ने पकड़ा है। इसका नाम भगवान उर्फ भगड़ा, पिता संपत, उम्र 44 साल, ये उधर का रहने वाला है, अपने हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।